हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल पीयूष का है बर्थडे, 31 मार्च। तो आज इसका प्री बर्थडे गिफ्ट दिलाएंगे इसको। आज वैसे इसका एग्जाम है, तो अभी एग्जाम दे के आएगा, दिन में 2 बजे आएगा, उसके बाद चलेंगे इसका। ठीक है, किसी का एग्जाम है? मैथ का। क्या कह रहे हो तुम, मैथ में पास नहीं होऊंगा? देखते हो तो स्कूल में तेरे कोई मारेगा नहीं? क्या मेरे पैर में लगी है? क्या पैर पे लगी है, यहाँ थोड़ी है। अच्छा हाँ, मारते तो फेस पे है, थप्पड़। हम ऐसे करते स्कूल में, मैडम मारती थी ना, मुझे बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, ऐसे बोलते थे हम। तो फिर मैडम नहीं मारती थी, चप्पल डाल के जाएगा टॉयलेट में। क्या कर रहे है? ओए, चढ़ते कैसे हो गई सीट पर? आज पीयूष को ड्यूक पे छोड़ के आते हैं। चप्पल डाली नहीं जा रही क्या? रहने दे, मत डाल चप्पल। पीयूष दा को बाय कर दो, बेस्ट ऑफ लक बोल दो स्कूल के लिए। पीयूष को मैं कराया हूँ स्कूल ड्रॉप, यहीं पे अगली गली में ही था, और उसको लेने भी जाना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी साफ सफाई कर रहे हैं, बेड शीट वगैरह की सारे निकाल रखी हैं, इनको धोएंगे ना। काफी लोग कमेंट करते हैं कि आपके पास एक ही बेड शीट है, क्योंकि वीडियो में वही दिखती है ना। तो हाँ, वही बिछी रहती है, कुछ ज़्यादा सो जाता हूँ ऐसी, बट लेके आऊँगा, मुझे मौका मिलेगा ना, मस्त मस्त सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो अभी गाइस दिन के 3 बज चुके हैं, पीयूष स्कूल से आ चुका है, एंड अभी हम ओरियो को नहलाएंगे, बिकॉज काफी गंदा हो गया। कल होली थी ना, तो होली में थोड़ा बहुत इसको रंग भी लग गया था, तो अभी साफ करते हैं। कल पीयूष का बर्थडे है, तो काफी लोग आएंगे, तो ओरियो भी साफ सुथरा दिखना चाहिए ना। ले फिर पकड़, ये ओरियो की दवाई है जिससे ये नहाता है। दवाई नहीं, ओरियो का शैम्पू है। कुछ भी कह ले, मतलब दवाई है ये देख। ओरी चले नहाए, अरे बड़ा तेज हो रहे हो। और यू आर यू रेडी? डाल डाल डाल, इतने से थोड़ी ना, एकदम से डालना। डाल 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 डाल, बस 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 बस, इसको अच्छे से मिक्स कर ले। ये जो ट्यूब है ना, ये अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए, ये दिखने नहीं चाहिए इस तरह से। ठीक है, अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा इसको होने में। ये जो मेन दवाई हमको डॉक्टर ने दी थी, मतलब यूजुअली वैसे शैम्पू आते हैं इनके, जो कि मतलब उनमें फिर केमिकल होता है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी शैम्पू यूज मत करना, मैं तुमको दवाई दे रहा हूँ, ये यूज करना। ये यूज करते हैं, आपने देखा नहीं होगा कहीं पे ये, बट ये भी शैम्पू की तरह काम करता है, थोड़ा थोड़ा झाग आता है इसमें। झाग आता है हाँ, दवाई तो है ही, बट इतना भी शैम्पू जितना बिल्कुल नहीं होता। हाँ, शैम्पू जितना केमिकल नहीं है कुछ भी। अबे जब बात तब कह रही हूँ ना मैं, तो आराम से बैठ जा, तेरा ये काम नहीं है। मना क्या था ना तेरे को? अरे क्या करूँ इसका, कोई नहीं, ऐसी ऐसी वहाँ बैठ जा, पैर ऊपर करके। पीयूष का फिर से ब्लड स्टार्ट हो गया, अब इसको जल्दी से पट्टी करवा के आते हैं, रुक जा थोड़ी देर। क्या यार, क्या पाल लिया ये, क्या पाल लिया ये, करते रहो फटाफट। जो ना कैसे मतलब कंघी करवा रहा है, ठंडी हवा होगी? हाँ ठंडी मारियो, गरम मत मारियो। ओलू नाई नाई कली, कैसे बैठा है आराम से देखना। ओए पिछवाड़ा गीला है, पिछवाड़े में मार, पिछवाड़ा गीला है। तो फाइनली इसकी नाई नाई हो चुकी है, और अब देखो बिल्कुल सुंदर हो चुका है। पट्टी करवाने चलते हैं और टेटनेस भी लगवा लेते हैं। टेटनेस नहीं लगवाना, टेटनेस लगवाना पड़ेगा ना, चलो फिर लगवा लेते हैं। टीका लगवा लेगा पक्का? पिछवाड़े में दर्द होएगा, पिछवाड़े में दर्द होएगा। बिना बिना चप्पल के जाएगा, बिना चप्पल के। ओए तू अंदर चल, अभी नहाया तूने, डर जाएगा आराम से। यहीं पे जाना, हमारे पड़ोस में है डॉक्टर, इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं, जल्दी से इसको लगवा के आते हैं। तो मेडिकल पे तो पहुंच गए, यहाँ पे भीड़ हो रही है, बट तो भी उसकी पट्टी तो हमने करवा लिया, इंजेक्शन से बच गया ये, तो मैंने पट्टी ले लिया, घर पे ही कर लेंगे। और ये सबसे पहले वेट कर रहे तेरा। तो भाई क्या है इसमें, थिनर? काफी कमेंट आ रहे थे कि थिनर से ट्राई करो, कर लो भाई ट्राई, थिनर से हो गया तो फिर तो थिनर ले आएंगे, कर लेंगे खुद ही, करियो ट्राई, होता है तो। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, छोटी नोट करके देखें भाई, हो ही नहीं रहा ये, नहीं हो रहा भाई, जबरदस्त लगा के जा रहा, चाहे थिनर बढ़िया वाला स्प्रे, वो जाग वाला नहीं। अरे जानबूझ के कि भाई निकले ना। थैंक यू बाय द वे, थैंक यू यार थिनर लाने के लिए। तो पीयूष को इंजेक्शन नहीं लगा, बिकॉज डॉक्टर ने पूछा ना क्यों लगवा रहे हो तुम, हमने कहा कि टाइल से कटा था, तो उन्हें का कोई जरूरी नहीं है, बच गया पीयूष। फिलहाल अभी वो घर पे है, वो नहीं आ रहा, उसके पैर में शायद दर्द हो रही है। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी ठीक करवाने के लिए, अगर होती है तो पता करते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत घूम फिर के आ जाएंगे। लोग तो पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे थे, कोलगेट लगाओ, थिनर लगाओ, भाई सब लगा के देख, सब लगा के देख लिया हमने, कोलगेट भी लगा लिया, थिनर भी लगा लिया, नहीं निकल रहा कलर, कोई कह रहा गोबर लगाओ। तो गाइस बात ऐसी है, कल है पीयूष का बर्थडे, तो भी चलो हमारे साथ है नहीं वो, तो हम सोच रहे हैं उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान करें रात को 12 बजे, क्योंकि आज तक कभी उसने इस तरह से नहीं किया है, सरप्राइज हमने कभी दिया ही नहीं है उसको,
वैसे हमको कुछ ज्यादा आता भी नहीं है सरप्राइज देना, जैसा हुआ था इसको भी दिया था मैंने रात को, तो पीयूष को भी देते हैं, अभी पीयूष है नहीं ना यहाँ पे, तो करते हैं कुछ, उसको पता नहीं चलना चाहिए लेकिन पता नहीं चलेगा, टेंशन ना ले, देखते हैं केक वगैरह लेते हैं और भी देखते हैं कुछ बैलून्स भी लेंगे। बढ़िया लगा यार, बढ़िया लग रहा है। अरे यार हाँ ये उतर नहीं रहा है, बहुत पक्का सा हो रहा है, बैक करके आने दे, अभी हो जाएगा साफ, अभी हो जाएगा कह रहे हैं करवा ले, तो अभी ये कह रहे हैं कि अभी कर देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दी, देखते हैं होता है नहीं होता, तो इनसे तो उतरा नहीं, इन्होंने कोई और दुकान बताई है हंसी में, बट मेरा तो मन नहीं कर रहा जाने का, हिसारी चल पड़ेंगे, कल हम हिसारी चले जाएंगे या तो शोरूम से ही करवा लेंगे, टोयोटा वालों से वही कर देंगे, काफी पक्का रंग है यार, लेकिन देखने में लगता है कि निकल जाएगा, देखने में लग रहा है कि निकल जाएगा, निकल जाएगा बस दो, तभी वो ट्राई कर रहे थे पानी से, ऐसे निकलता तो हम ही निकाल देते भाई, पानी से ट्राई कर रहे थे, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, तो चलो फिलहाल अभी हम ऐसे ही घूमते हैं और थोड़ी देर घूम के फिर घर चलते हैं और पीयूष के बर्थडे की तैयारी करते हैं सरप्राइज की। तो घूम फिर के मैं घर पे तो आ गया हूँ, तो अब अंधेरा भी हो गया, अब जाऊंगा मैं मार्केट और पीयूष के लिए एक सरप्राइज केक और थोड़े बहुत बैलून्स वगैरह लेके आऊंगा, जो कि हम रात को उसको सरप्राइज करेंगे, अभी उसको नहीं बताया कुछ भी, अगर दिन में लाते ना तो उसको पता चल जाता कि लाएं, फ्रिज वगैरह में देख लेता, बट अभी वो नहीं देखेगा बिकॉज वो फोन में लगा हुआ फ्री फायर में, और मैं कुछ रिएक्ट भी नहीं करूंगा, और वो सो भी जाएगा, 9-10 बजे सो जाता है, तो उसको 12 बजे उठाऊंगा ऊपर लेके आऊंगा। पीयूष को तो चॉकलेट पसंद है वैसे, चॉकलेट ये ले फिर ये ले ले, यही ले, हाँ यही सही लग रहा है, ठीक है यही दे दो, इसके ऊपर लिख दो पीयूष PIYUSHI पीयूषी, एक कैप दे दो, एक बैलून ले ले, अरे हाँ पीयूष क्वीन, पीयूष का तियारा, पीयूषी नाम भी तो पीयूषी है, पीयूषी के लिए नहीं यार वो गुस्सा हो जाएगा, अरे वो 3 वाला जरूर ले लियो बैलून, अरे हाँ 3 million वाला जरूर लेंगे, क्यूट लग रहा है ना ये ले, अरे ये अच्छा लग रहा है मेरे को तो, चलो ये कैप हो गई और बैलून दिखा दो, ये लूँ ये, नहीं नहीं वो था। अरे हाँ हाँ स्टूडियो खराब हो जाएगा ये, वैसे बस उड़ते हुए अच्छा लगता है सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद तो स्टूडियो खराब, फिर साफ करो, केक क्यों करोगे, केक के ऊपर भी गिरता है ये, चलो इसकी बहुत सख्त जरूरत थी, केक वगैरह तो हम ले आए थे बट मैं उसको घर नहीं लेके जा रहा, मैं उसको नवीन के घर पे ही छोड़ रहा हूँ इसके फ्रिज में, बिकॉज आपको पता ही पीयूष को ऐसा वैसा बच्चा तो है नहीं, वो गैस कर ही लेगा, वो फ्रिज में देख ही लेगा, तो 12 बजे ये घर पे आएगा मेरे अपने घर से, इसका घर पास में ही है, तो अभी केक वगैरह मैं इसी के पास छुड़वा रहा हूँ, बस हमारा प्लान फेल ना हो, बड़े सो मत जाइए रात को, ना मैं नहीं सोता कहीं, मैं तो कॉल करता रह जाऊँ, मेरा केक यहीं रह जाए रात को, तो मैं घर पहुँच गया हूँ और ओनली बैलून्स लेके आया हूँ मैं, बिकॉज बैलून्स फुला लेंगे ना, तो छुपा के ऊपर ले आया हूँ मैं, तो अभी का सीन ये है कि पीयूष का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गोल्डी एंड फैमिली भी आए हुए हैं, तो पीयूष अभी उन्हीं के साथ में बिजी है, ओनली 1.5 घंटा है मेरे पास, तो जल्दी से पहले मैं बैलून सारे फुला लेता हूँ और देखते हैं जो भी रहेगा थोड़ा बहुत, और जो ये 1 million है इसको 3 करते हैं यार, ये रहा 3, एक रेड लाया हूँ और एक वाइट लाया हूँ, क्योंकि मेरा जो रूम है वो कुछ इस टाइप का है, जैसे ऊपर से देखो ये यूट्यूब का लोगो रेड है और बाकी वाइट है, तो पूरे रेड एंड वाइट बैलून्स काफी सही लगेंगे, तो होपफुली सब कुछ सही रहे, मैंने कुंडा लगा दिया, बाकी कैमरे में तो देख ही रहा हूँ, और केक तो वैसे भी नहीं है, केक तो नवीन के घर पे है, नवीन बोला मैं रात को आ जाऊंगा, मैंने कहा यार रात को कैसे आएगा तू, कह रहे कोई बात नहीं आ जाऊंगा देख लो, चलो जो भी है, भाई जब ओरियो को पता है ओरियो मेरे साथ में है ओली, आज पीयूष दा का बर्थडे आने वाला है, ओरियो का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, इसका भी आएगा, ठीक है ओली, आज नहाई धोई करिए इसने, नहाई धोई भाई, तू बैलून मत फोड़ दियो मेरे, आज मेरी हवा टाइट होने वाली है भाई इसको फुला फुला के, वैसे मैं हेल्प ले सकता था, गोल्डी भी है, नीरज भी है, साहिलदा भी है, बट चलो कोई बात नहीं, जितने फुलाए जाएंगे फुलाते हैं, और ये डर रहा है इससे भाई, बहुत बड़े हो रहे हैं तो सही है, और यो वो डर रहे हैं बैलून से, डर रहे वाह क्या हुआ, छुप के देख रहा है, ले ओरियो को बैलून से डर लग रहा है और ये यहाँ पे आ गया, बाय द वे अभी सिर्फ 2 फुलाए हैं और इसमें मेरी हवा टाइट हो गई है, अभी इतने सारे फुलाने हैं, हेल्प करेगा मेरी, पर्दे लगाए तो बाहर से दिख जाएगा नहीं तो एक फूट गया और ये डर गया क्या हुआ, नहीं डर रहा भाई, नहीं डर रहा, आज फील हो रहा है कि मुझे मोटा होना चाहिए था, अगर मैं मोटा होता तो मेरा पेट भी मोटा होता, अगर मेरा पेट मोटा होता तो उसमें हवा भी आ जाती और मैं एक ही बारे में पूरा गुब्बारा फुला देता, अब मैं पतला सा हूं तो मेरे अंदर हवा भी पतली पतली कम हवा आ रही है, तो वो प्रॉब्लम लग रही है मुझे,
आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मुझे मोटा होना चाहिए था। सो गाइस अभी कुछ इतने फुला लिए हैं, साहिल भी आ गया था तो ये भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, बट मेरी हालत लिटरली टाइट हो चुकी है और 11 बज चुके हैं, हमें हमारे पास एक घंटा है ओनली और बहुत सारे गुब्बारे भी बाकी है। ऐसे डाले फुला देंगे, मेरे को मतलब अजीब सी फीलिंग, मेरे को सिर में दर्द सा हो रहा है। अरे चल भाई आ गया, आप देख सारे फुला दूंगा। बाय द वे लग काफी प्यारे हैं देखो। जैसे ही गेट खोला ओरियो भाग गया, क्योंकि ओरियो को डर लग रहा था इससे, ओरियो को लग रहा था क्या है ये। ओरियो ना इनको भी कुत्ते समझ रहा था अपनी तरह, लाल और वाइट कलर के कुत्ते। तो साहिल मुझे फुला के दे रहा है, मैं गाट मार रहा हूँ और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, दो तीन ही बाकी हैं तो फाइनली हमने कर ही दिए। अभी केक भी मंगवाना है, अब इनको फैला दो पूरे स्टूडियो में, ध्यान से फटने नहीं चाहिए। और कितना अच्छा लग रहा है।